आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एस डेविनो का कंस्ट्रक्शन अपडेट प्लस लैंडस्केपिंग पे किया हुआ काम। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी, स्पोर्ट्स एमिनिटीज और वाटर बॉडी के अंदर किस तरीके से काम किया गया है, यह आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन की गई है, जैसा आपको प्रोजेक्ट के डेमो में दिखाया गया था एज इट इज वैसा ही आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं क्लब हाउस एरिया और टावर फोर का कंस्ट्रक्शन, वाटर बॉडी किस तरीके से आपको मिलने वाली है ये यहां पे देख सकते हैं। वाटर बॉडी, ग्रीनरी और स्पोर्ट्स एमिनिटीज के अंदर जो आप चेंजेस देख सकते हैं यहां पे किस तरीके से किए गए हैं। यहां पे काफ़ी सारे सिटिंग एरिया और आपको टेम्पल का यहाँ पर प्रोविजन दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डिज़ाइन दिया गया है एक मॉनेस्ट्री थीम के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रीज प्लांट किए गए हैं। यहाँ पे ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये टेंपल बनाया जा रहा है। फर्दर हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पूरे एरिया को डेवलप किया गया है। ग्रीनरी पे भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आता है जॉगिंग ट्रैक, और साथ ही साथ ये पूरा एरिया साइड से किस तरीके से दिखता है ये इस वीडियो में देख सकते हैं। वाटर बॉडी, सिटिंग एरिया प्लस ग्रीनरी, यहाँ पे तीनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। वाटर बॉडी को इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ये आपको नेचर के क्लोज करता है। यहाँ पे आधे प्रोजेक्ट का पोजेशन दे दिया जा चुका है, रिमेनिंग हाफ प्रोजेक्ट का पोजेशन मार्च तक दे दिया जाएगा, तो आपको कंप्लीट सोसाइटी यहाँ पे मार्च अप्रैल तक देखने के लिए मिल जाती है। ये यहाँ पे देखते हैं हम एरियल व्यू, यहाँ पे जो पेंट किया गया है जिन टावर्स पे यहाँ पे पोजेशन ऑफर किया जा रहा है, रिमेनिंग टावर्स पे मार्च तक पोजेशन दिया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सो दैट आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए प्रॉपर्टी के लिए। अगला आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।